फर्स्ट वन इज फुंसी. फुंसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिंपल पिंपल. फोड़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइल बॉइल. घमोरिया को हम इंग्लिश में कहते हैं हीट रैश हीट रैश. और आप घमोरिया को पिकली हीट भी कह सकते हैं प्रिकली हीट. आँखों पर जोर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई स्ट्रेन आई स्ट्रेन. दांत के दर्द को हम इंग्लिश में कहते हैं टूथ एक टूथ एक. कान के दर्द को कहेंगे ईयर एक ईयर एक. और सर दर्द को कहेंगे हेड एक हेड एक. पेट दर्द को कहेंगे स्टमक एक स्टमक एक. पीठ और कमर के दर्द को हम इंग्लिश में कहते हैं बैक एक. मवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं पस पस. फफोला को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्लिस्टर ब्लिस्टर. और मुहासा को हम इंग्लिश में कहेंगे एक्ने एक्ने. पेट के शाले को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टमक अल्सर स्टमक अल्सर. और मुंह के शाले को हम इंग्लिश में कहेंगे माउथ अल्सर माउथ अल्सर. तो बेसिकली जो शाला होता है उसे अल्सर बोला जाता है. लकवा को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस पैरालिसिस. खसरा और चेचक को हम इंग्लिश में कहेंगे मीसेल्स मीसेल्स. गलसुआ को हम इंग्लिश में कहेंगे मम्स मम्स. और खुजली या फिर खाज को हम इंग्लिश में कहेंगे इच. और स्क्रैच भी आप बोल सकते हो इच या फिर स्क्रैच. घुटन को हम इंग्लिश में कहते हैं सफोकेशन सफोकेशन. जलन, जब पेट में जलन होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इरिटेशन इरिटेशन. पाचन या फिर हाजमा को हम इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन डाइजेशन. बदहजमी या फिर अपच को हम इंग्लिश में कहते हैं इनडाइजेशन इनडाइजेशन. चक्कर को हम इंग्लिश में कहेंगे डिजीनेस डिजीनेस. और उबकाई को हम इंग्लिश में कहते हैं नौसिया नौसिया. उल्टी को हम इंग्लिश में कहेंगे वॉमिट वॉमिट. जुकाम को हम इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड कोल्ड. और खांसी को हम इंग्लिश में कहेंगे कफ कफ. घुमटा को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रुइस ब्रुइस. बुखार को हम इंग्लिश में कहते हैं फीवर फीवर. खराश को हम इंग्लिश में कहेंगे सोर थ्रोट सोर थ्रोट. दस्त को हम इंग्लिश में कहते हैं डायरिया डायरिया. घुमड़ा को हम इंग्लिश में कहते हैं बम्प बम्प. और मोच को हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेन. आप इसे स्प्रेन भी कह सकते हो और स्ट्रेन भी कह सकते हो. सूजन को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वेलिंग स्वेलिंग. और घाव को हम इंग्लिश में कहते हैं गैश गैश. खरोच को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रेज ग्रेज.